स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। आईपीएल 2022 शुरू होने वाला है, बस एक आध दिन का है इंतज़ार। बड़ी खबर आई है, महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है सीएसके की और बना दिया है कप्तान रविंद्र जडेजा को। जी हाँ, जडेजा किंग ऑलराउंडर जो भैया छाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टी20 में, और सीएसके के लिए तो बहुत सी मैच विनिंग नॉक्स खेल चुके हैं, रन आउट्स कर चुके हैं, गेंदबाजी का कमाल दिखा चुके हैं। धोनी की बात करें तो भैया उनका समय अब ख़त्म तो हो ही गया था। रिकॉर्ड 4 खिताब जिता चुके हैं सीएसके को, उनसे ज़्यादा खिताब सिर्फ हिटमैन रोहित शर्मा ने जिताए हैं 5। तो मतलब कि धोनी ने एक तरीके से आईपीएल के सिकंदर का खिताब, कप्तानी के सिकंदर का खिताब रोहित को दे दिया। मुझे नहीं लगता और कोई कप्तान फ्यूचर में आ पाएगा जो रोहित का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्योंकि अभी तो रोहित कप्तान है। एक तो ट्रॉफी शायद और लटका जाएगा क्योंकि मुकेश अंबानी का साथ, तो डरने की क्या है बात। आईपीएल 2022 का पूरा भैया आपको किच्चा चट्ठा ये ब्रांड बताएगा, फिकर मत कीजिए। एक एक मैच का रिव्यू आएगा, प्री मैच रिव्यू आएगा। तो बंधे रहिए अमित दत्ता के साथ यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए मुझे, और भैया ट्विटर पर जाओ दोस्तों, ट्विटर पर आ गया हूँ मैं वापस। ब्रांड एडीज गॉड हैशटैग है ये भैया, ब्रांड एडी लिखा होगा, बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड। फटाफट फॉलो करो यार अपने सुपरस्टार क्रिटिक को। और हाँ, चिन्ना थाला हमारे सुरेश रैना जी कुछ खासे नाराज़ लगते हैं महेंद्र सिंह धोनी से। हमारे थलाइवा अगर धोनी है तो चिन्ना थाला रैना जी को कहते थे। बहुत सी मैचेस जिताए हैं, आईपीएल की ट्रॉफीज जिताने में बहुत बड़ा हाथ रहा है सुरेश रैना का, पर खट्टास भरा रिलेशन हो गया था इनका जब कोरोना के दौर में वापस चले गए थे रैना, ये कहकर कि भैया मुझे भी वैसा ही कमरा चाहिए धोनी जैसा जिससे नीचे का व्यू दिखे, मुझे बंद बंद कमरों में रहने की आदत नहीं। उन्होंने कहा भैया वापस जाओ, वापस ऐसे गए कि जब अगले सीज़न में आए तो वज़न में 10 किलो को बढ़ोतरी हो गई थी और गेम ख़त्म हो चुकी थी। अब मैच फिक्सर रवि शास्त्री के साथ कमेंट्री देते दिखाई देंगे आईपीएल में दोनों। मैं नाराज़गी चिन्ना थाला की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर जडेजा को टैग करके कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भैया आप कप्तान बन गए, बहुत बहुत वेलकम। बट धोनी का ना हैशटैग, ना धोनी की कोई बात, ना धोनी को टैग किया। जिस कप्तान के अंदर वनडे, टी20, इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट भी खेला और उसके बाद 10-10 साल भैया सीएसके के लिए आईपीएल में खेले, उसका नाम ही नहीं। ऐसा खट्टास भरा रिलेशन हो गया एंड में, ऐसा क्या किया भाई महेंद्र सिंह धोनी ने आपके साथ रहना, थोड़ा खुल के बताइए या मैं आपको खुल के बताऊँ, क्योंकि हमको तो है सारी कहानी की मालूमात। लाओ शिवास विद रेड बुल छा गए। तो भैया शुरू हो रहा है मनोरंजन। दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब तीनों टीमें एक एक बार फाइनल खेल चुकी हैं। एक आरसीबी तो 3 बार खेल चुकी है बेचारी, पर ट्रॉफी तीनों के हाथ में नहीं लगी। तो क्या पंत कुछ करंट दिखाएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्या लगता है? या आरसीबी भैया फैफ डुप्लीसी के अंडर कुछ करेंगे? कह रहे मैक्सवेल कह रहे हैं कि विराट कोहली कप्तान नहीं रहे, बहुत कुछ करेंगे, यही टेस्ट क्रिकेट और वनडे में कह रहे थे, वहाँ तो कुछ किया नहीं। अब देखते हैं भैया, आरसीबी जिसकी कप्तानी रिकॉर्ड टाइम कर करके भी कुछ नहीं कर पाए, अब कुछ करेंगे या नहीं, देखने वाली बात है। और किंग्स इलेवन पंजाब मयंक अग्रवाल हैं कप्तान, देखते हैं क्या करते हैं भाई, क्या इस बार जीत पाएंगे या रोहित छठा कप ले जाएगा या जडेजा कमाल दिखाएगा। कहीं केकेआर तो नहीं तैयार हो रही श्रेयस अय्यर के अंडर? पहला मुकाबला सीएसके वर्सेस केकेआर, कल आता हूँ नहीं तो परसों आता हूँ मैच का प्रीव्यू लेके और उसके बाद आऊँगा मैच का रिव्यू लेके। फॉलो अमित दत्ता और यूट्यूब ट्विटर।
दुआओं में याद रखना।